गाइस आज हम लोग जा रहे हैं बटलर पैलेस। तो अभी हम लोग घर से निकलने वाले हैं, तो देखते हैं। कल हम लोग गए थे बटलर पैलेस, लेकिन वहाँ हम लोग कुछ निजी कारणों की वजह से एक्सप्लोर नहीं कर पाए। तो आज हम लोग जा रहे हैं और वीडियो आपको दिखाते हैं। चलिए गाइस, हम लोग आ चुके हैं बटलर पैलेस में। ये देखिए, अंदर लिखा हुआ, अंदर जाना मना है। और ये कुछ ऐसा एंट्री का है, और ये एक मंदिर है। देखिए गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ अंदर। ये मंदिर बंद कर दिया गया है यहाँ पे, इसका क्या कारण हो सकता है। ये है वो जगह, चलिए। ये कुछ इस तरह से इसका रास्ता है। बिल्डिंग है, टूटी फूटी पड़ी हुई है, ऐसे रास्ते हैं। तो गाइस, बजरंग बली की फोटो, जय बजरंग बली बोल के हम लोग अंदर चलेंगे। गलतियों को माफ करें हमारी, और ये हम लोग अंदर चल रहे हैं। वो दोनों पहले ही अंदर जा चुके हैं। तो इस तरह से कुछ एंट्रेंस है। अभी ये एंट्रेंस है कि कमोट है, देखिए गाइस, आप बताइए आपको क्या लग रहा है। ये पहला फ्लोर है यहाँ का, पहला फ्लोर देखिए। बहुत अजीब सी जगह है, इस जगह पे कुछ अजीब सा लग रहा है। शाम का टाइम है, बहुत अंधेरा है अंदर। चलिए उस साइड से हम लोग अंदर की तरफ चलते हैं, देखते हैं। आ चुके हैं बटलर पैलेस में, और ये हम लोग इसके एंट्रेंस पे हैं, पहले फ्लोर पे। तो देखते हैं, चलिए कैसी है ये जगह, आपको घुमाते हैं। ये इसका एंट्रेंस है, हम लोग पीछे के रास्ते से अंदर आए हैं। तो मैं आपको एक बार बाहर जाके दिखा देता हूँ, इस तरह से है इसका रास्ता। तो गाइज, ऐसी हरकतें ना करें। तो गाइज, ये फर्स्ट फ्लोर है, यहाँ से निकल के आपको मैं दिखा देता हूँ। पहले आए थे, आपको दिखा देता है। इंस्टाग्राम पे आपने देखा होगा मेरी यहाँ की फोटो है एक, वो एयरप्लेन जा रहा है। और जगह है यहाँ से भी व्यू, जंगल जंगल ही है यहाँ पे। उस तरफ वो अपार्टमेंट्स है, उनका नाम बटलर अपार्टमेंट्स है। कुछ ऐसा था फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर के अभी हम लोग ऊपर थे। चलिए अब चलते हैं उसी जगह पे। ये कैसी ड्राइंग बना रखी है, क्या बाप रे, कर रहे लोग। जा रहे हैं सेकंड फ्लोर की तरफ। बाबा, ग्राउंड के बाद फर्स्ट होता है, इतनी अकल जो तुम में होती थोड़ी सी। अच्छा, छत है, ओके। तो गाइस, हम लोग जा रहे हैं छत की तरफ। नहीं, सेकंड फ्लोर है, जा रहे सेकंड फ्लोर है कुछ ऐसा। हाँ, ये कुछ खंडहर हो रखा है एकदम। बहुत ज्यादा गोदा हुआ दी हुई है गाइस। लोगों ने खराब कर दिया है एकदम। ऊपर की तरफ अरे भाई, सीढ़ी टूटी हुई है, सीढ़ी स्किप करके चलेंगे। छत की तरफ
हॉरर व्लॉग। शाबाश। गाइस बहुत ऊपर चढ़ चुके हैं, ऐसा व्यू है बटलर लेक, वो है वहां भी चलते हैं। हम लोग यहाँ चढ़ चुके हैं, दोस्त से फोटो वोटो खिंचा रहे हैं अपना। हम लोग बैठे हुए हैं बटलर पैलेस के सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे, तो छत के भी हम लोग थोड़ा सा ऊपर है, ये देखिए तो एकदम ऊपर है, यहाँ से पीछे ऐसे रास्ता है, ठीक है। तो ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं यहाँ पे आने के लिए, थोड़ा सा अगर आपकी हाइट ऊँची है मेरी तरह, मेरी है 6162 हाइट है, तो ऊपर आने में आसानी होती है। वैसे बहुत बढ़िया जगह है, अच्छा लग रहा है, बहुत शांत जगह है। तो यहाँ पे अंदर आना मना है असल में, इसलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग गैम्बल करते हैं आके, और मतलब मैरुआना का यूज़ करते हैं, जिसे हम लोग गांजा कहते हैं, तो वो लोग यहाँ पे बहुत यूज़ करते हैं। खैर इन सब चीज़ों से तो हम लोग का कोई वास्ता नहीं है, लेकिन इसी वजह से इस जगह पे आने के लिए मना किया गया है। कोई अगर आप समझ रहे कि कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी की वजह से आना मना किया गया, तो नहीं, ऐसा कुछ भी रीज़न नहीं है, जो यहाँ के लोग हैं उनकी वजह से ऐसे मना किया गया है। चलिए, बच्चू अकेले अपनी फ़ोटो कैसे खींच रहा है, कभी कभी बहुत बुरा लगता है इस बच्चे के लिए मुझको। पूछ रहा टाइमर कहाँ से लगता है। अबे यार। तो यार बहुत बढ़िया है, अगर आप मुझसे आते हैं यहाँ पे तो रिकमेंड करूंगा यहाँ पे छत पे आके टाइम स्पेंड करो और उसको देखो। इसलिए कहते हैं पढ़ लिख लिया करो भाइयों, पढ़ लिख लो, 12वीं पास हो जाओ भाई। अच्छा, हम लोग के साथ मैं आपको बताता हूँ कितना अच्छा हुआ था। टेंथ तक मैं पढ़ा हूँ नैनीताल से, तो नैनीताल में तो मैंने पेपर दिया था बोर्ड का, फिर 11th में मैंने लखनऊ में शिफ्ट हुआ वापस डे स्कूल में, तो फिर यहाँ पे जब हम लोग आए तो उसके बाद मैंने ज्वाइन किया मिलेनियम स्कूल। अगर आपको मतलब मिलेनियम स्कूल के बारे में रिव्यू चाहिए होगा तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो चलिए आगे मैं आपको कहानी बताता हूँ। तो 11th के टाइम पे ड्यूरिंग 2019 लास्ट में नवंबर टाइम पे, तो उस समय हम लोग का पेपर वेपर होने की मतलब बातचीत हो रही थी कि पेपर वेपर होंगे कि नहीं होंगे, उस समय नया कोरोना आया था हम लोग का कोविड। तो फिर उसके बाद जैसे जिस दिन मतलब नेक्स्ट डे हमारा बायोलॉजी का फाइनल टर्म का पेपर था मेरा, तो उस पेपर के दिन कोविड ने हिट किया, तो फिर हम लोग का एक हफ्ते के लिए एग्ज़ाम्स पोस्टपोन्ड हो गए थे। फिर उसके बाद मतलब पढ़ाई लिखाई तो कुछ इतनी की नहीं थी, तो हम होप कर रहे थे कि कैंसिल ही हो जाए यार, तो ज़्यादा अच्छा है। तो एंड में वो कैंसिल हो गए, 12th में हम लोग प्रमोट हो गए। तो 12th बार कोविड था पूरा, थोड़ा जो एक महीना हम लोग स्कूल खुला था उसमें स्कूल गए थे। फिर उसके बाद किस्मत इतनी अच्छी थी कि हमारी कि जैसे बोर्ड का जब टाइम आया था तो बोर्ड के टाइम पे ही सीधा मतलब उन्होंने मतलब वो भी बोर्ड भी हमारे कैंसिल कर दिया था, उस समय भी लॉकडाउन हो गया था एक, तो वो भी हमारे लिए एक प्लस पॉइंट था, पढ़ाई से हम लोग बच गए थे। खैर चलिए, अब वो सब आते तो अपनी एक जगह पे हैं। किस्मत हम लोग की बहुत अच्छी थी, आजकल बेचारे बच्चों के तो दो दो बार बोर्ड करा दिए हैं, बुरा लगता है दिल से। किस किस को और बुरा लगता है गाइस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धीरे धीरे हम यहाँ से उतरेंगे, इस शानदार जगह को टाटा बोलेंगे और चलते हैं वहाँ बटलर लेक की तरफ। चलिए देखते हैं कैसे उतर रहा हूँ मैं। ये हम लोग ऐसे 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 और फिर यहाँ से वहाँ तक हमें कूदना है, और ये हम लोग कूदे, तो हम लोग कूद गए, वहाँ बैठे हुए थे हम लोग, और ये हम लोग नीचे आ गए एकदम। लड़का जिम नहीं जा पाया है आज, क्या हो गया बाबा, ब्रेकअप हर्ट्स। चलो डन, तो देखो यार भूत ऊत जैसा जो सीन लोग बताते हैं वो सिर्फ बेवकूफ़ी है, कोई भूत ऊत कुछ नहीं होता अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस है गाइस, तो ये सब ना बेफालतू में बस इन्होंने हाइप दे रखा है, ऐसा कुछ है नहीं। तो अब हम लोग चल रहे हैं बटलर लेक की तरफ, हम लोग बटलर लेक की तरफ। तो ये ब्रिज होता था, ये 2017 में लास्ट टाइम मैं आया था तब भी टूटा हुआ था, आज भी टूटा हुआ है। ये उस बिल्डिंग में जाने के लिए रास्ता है, उस बिल्डिंग में बटलर लेक है गाइस। चलिए दिखाते हैं गाइस, कुछ ऐसा था आज का व्लॉग, होप करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो ये पीछे मेरे बटलर लेक है जो मैंने अभी आपको 5 सेकंड पहले दिखाई थी। तो कल हम लोग चलेंगे बड़ी 76 मंजिल पे, तो ऐसे ही धीरे धीरे हम लोग लखनऊ के हिस्टोरिकल जगहों को एक्सप्लोर करेंगे।
और बटलर पैलेस की जो स्टोरी है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी कि वहाँ पे क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ये प्लेस अबैंडन क्यों हुई, और ये बीच में अभी रेनोवेट भी हुई थी, अभी मैंने इसके बारे में पढ़ा। तो बीच में आपने जो लिफ्ट देखा था वो इसीलिए थे कि लिफ्ट विफ्ट लगी हुई थी पहले ऊपर नीचे जाने के लिए, सीढ़ी वीढ़ी नहीं चढ़ते होंगे ये लोग। चलो सीढ़ी भी खैर इतनी ज़्यादा थी नहीं, बूढ़े लोगों के लिए बनाई होगी वो लिफ्ट। और चलिए हम चलते हैं, घर निकलते हैं। इससे पहले घर जाएं तो उससे पहले मैं आपको एक जगह और दिखाता हूँ जहाँ लखनऊ की बहुत अच्छी चाय मिलती है। तो चलिए चलते हैं गाइस चाय पीने। क्या हम लोग शर्मा जी की चाय पर, भीड़ देखे कैसी लगती है। चाय है, अज्जू को बहुत ज़्यादा भूख लगी। गाइस अज्जू का भी रिव्यू ले लेते हैं हम लोग, अज्जू कैसा लगा बता दो भाई। यार क्या बताएं, हॉन्टेड हॉन्टेड तो नहीं है बिल्कुल भी, मुझे तो हॉन्टेड हॉन्टेड नहीं लगा। बाकी आप देख सकते हैं व्यू व्यू तो दिखा दिया है खैर आप लोगों को। चलिए कितना यार देखो, भूत ऊत कुछ होता नहीं है ये तो भाई मैं मान गया हूँ। चलो देखते हैं, क्या पता हमें कभी कोई और आगे ऐसी चीज़ मिले जो हमें भरोसा दिला सके।